बेबी कार्ड, ये आप देख पा रहे हैं कार्ड ध्यान से। देखिए ये जो कार्ड है इसमें आप देख सकते हैं कि स्ट्रॉज में जैसे कृष्ण जी को एक टोकरे में ले गए थे वैसे ही स्ट्रॉ बास्केट है, एक क्रेडल है छोटा सा जिसमें एक बेबी है लेटा हुआ। एंड देन यू कैन सी सम हैंड्स, आप हाथ देख पाएंगे उस टोकरी के पास, यहाँ ऊपर की तरफ को देख पा रहे हैं। इज इट क्लियर टू ऑल? यस मैम, यस मैम। सो और अगर आप इस बेबी को देख रहे हैं, ये एक इन्फेंट है, बहुत ही छोटा बेबी है। अगर ये कार्ड, सपोज आपने कोई क्वेश्चन पूछा और उस जगह पे ये कार्ड आपका आता है, बेबी कार्ड, तो इसका मतलब है जिस सिचुएशन के बाद बारे में आप बात कर रहे हैं उस सिचुएशन में कहीं ना कहीं कोई बच्चा या कोई इन्फेंट इन्वॉल्व है। और इसकी तह तक जाने के लिए यू नीड टू फॉलो योर अनकॉन्शियस माइंड, योर सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि वही आपको गाइड करता है। ये किसी ना किसी तरीके से आपको रिवील करेगा जब आप अपनी आंखें बंद करके फोकस करेंगे कि किसी बेबी का या किसी इन्फेंट का क्या रोल हो सकता है आपकी करंट लाइफ पे। हो सकता है कि कोई ऐसा ट्रॉमा रहा हो एक बच्चे से रिलेटेड आपकी इस करंट लाइफ में, इट कैन बी इन योर चाइल्डहुड या आपके बच्चों के केस में, तो कुछ पेनफुल मेमोरीज हैं उस बच्चे से एसोसिएटेड जिसे रिलीज करने के लिए इंडिकेट कर रहा है यूनिवर्स, तभी ये कार्ड आया है। और इसमें आप क्या करेंगे, रिलीज करने का मतलब है कि उस ट्रोमैटिक इवेंट से रिलीज करने के लिए हम फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हैं। ये कार्ड कई बारी आपको आपके बचपन का भी टाइम याद दिलाता है, इट मे बी इन दिस लाइफ और मे बी इन द पास्ट लाइफ, कोई ऐसा ट्रॉमा जो सफर किया है आपने जब आप एक छोटे बच्चे थे, या हो सकता है आपका खुद का बेबी इन्वॉल्व हो। अब इस लाइफ टाइम में आप पेरेंटहुड के जरिए अपने प्रीवियस लाइफ टाइम के इस ट्रॉमा को ओवरकम कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कहीं ऐसी इनसिक्योरिटी होती है या कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि लास्ट लाइफ में या पास्ट लाइफ में एज अ बेबी यू सफर्ड ट्रू स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, या आपको आपकी आज़ादी नहीं मिलती थी, आप प्रॉपरली अपने आप डिसीजंस नहीं ले पाते थे, तो लेट दैट बी रिफ्लेक्टेड इन योर करेंट लाइफ पेरेंटहुड कि आप अपने बच्चों को वो प्यार वो फ्रीडम दें जिससे कि आप अपने पास्ट लाइफ के ट्रॉमा से खुद को रिलीज कर सके। कई बारी ये आपके पेरेंटहुड से भी रिलेटेड हो सकता है, हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ में एज अ पेरेंट देवर सम ट्रोमैटिक इवेंट्स रिलेटेड टू योर बेबी, कुछ ऐसे इवेंट्स जो आपके बच्चों से रिलेटेड हैं आपके पिछली लाइफ से हो, तो आपकी फीलिंग्स उस समय क्या रहती हैं या आपके क्या थॉट्स रहते हैं वो एक स्पेसिफिक मीनिंग आपको देते हैं। अब जब आप ये कार्ड निकालते हैं, सपोज किसी क्वेरेंट ने क्वेश्चन किया और ये कार्ड आया, तो आप उनसे इंक्वायर करेंगे आप उनसे इस लाइफ से भी इंक्वायर करेंगे कि क्या उनके घर में कोई ऐसा बच्चा है जो जिसने बचपन में बहुत कुछ सहा हो, कुछ ट्रोमैटिक हुआ हो उस बच्चे के साथ, या आप देख रहे हैं आपके फैमिली का हिस्सा है वो बच्चा लेकिन उसे वो प्यार नहीं मिल पा रहा है किसी वजह से। सो यू नीड टू आइडेंटिफाई, क्योंकि ये कार्ड का आना है कि पास्ट लाइफ का कोई इवेंट इस लाइफ में भी आया है जिसको आपको रिलीज करना है। तो ये चीज आप पहले पूछेंगे, उसके बाद आप उनको मेथड बताएंगे कि हमें ये रिलीज कैसे करना है, जो गलती पास्ट लाइफ में हुई है उसे सुधारना है। तो यू हैव टू ग्रो मोर लविंग, मोर रिसेप्टिव, और एक्सेप्टेंस चाहिए।
कि बच्चे जैसे भी हैं उन्हें एक्सेप्ट करना आना चाहिए।